हेलो डियर फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ का लेसन लॉस्ट स्प्रिंग के सेकंड पार्ट को वर्ड बाई वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ओके, इसके फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके हैं कहानी एक छोटे से बच्चे साहेब की, जो कबाड़ बीनने का काम करता है। और अब हम देखेंगे एक ऐसे बच्चे, कहानी इसका नाम है मुकेश। काम ये भी वही करता है, लेकिन इसके ख्वाब कुछ ऊँचे हैं। कैसे, आइए देखेंगे इस वीडियो में। ओके, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। ही एंसर्स, वह उत्तर देता है। लुकिंग, देखते हुए, स्ट्रेट माने सीधे, इनटू माय आईज, सीधे मेरी आँखों में। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज, उसके ख्वाब कैसे प्रतीत होते हैं, जैसे दिन में देखे जाने वाले ख्वाब। एमिडिस्ट, बीच में, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों की धूल में, दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद, जो हर वक्त भरी रहती है उसके शहर फिरोज़ाबाद में। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो मशहूर है, प्रसिद्ध है अपनी चूड़ियों के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद का हर दूसरा परिवार इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के काम में व्यस्त है या फिर लगा हुआ है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये भारत में शीशे पर आधारित उद्योग का केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट, जहाँ परिवार बिताते हैं जनरेशन्स, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ, वर्किंग अराउंड फर्नेसिस, इन्हीं भट्टियों के इर्द गिर्द या चारों ओर। वेल्डिंग ग्लास, ग्लास की शीशे की मरम्मत करते हुए, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हुए, फॉर ऑल वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, पूरे देश की औरतों के लिए ऐसा लगता। मुकेश's फैमिलीज अमंग देम, मुकेश का परिवार इनमें से ही एक है। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता, दैट की इट इज़ इलीगल, कि ये असंवैधानिक है, अपराध है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक हिम, उसके जैसे, टू वर्क, काम करना, इन द ग्लास फर्नेसिस, शीशे की गर्म करने वाली भट्टियों में, विद हाई टेम्परेचर, इतने ऊंचे तापमान पर, इन डिंगी सेल्स, ऐसे गंदे माहौल में, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश के, दैट द लॉ, ये वो नियम है, इफ़ इन्फोर्स्ड, अगर इसका कड़ाई से पालन हो, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, तो ना सिर्फ मुकेश बल्कि उसके जैसे 20,000 और बच्चे आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, इन गर्म तपती हुई भट्टियों के खेल से, कारोबार से बाहर लाए जा सकते हैं। वेयर दे स्लॉग दियर डे लाइट आवर्स, जहाँ वे दिन के काम करने के घंटों में वहाँ ठूंस दिए गए हैं। ऑफ्टन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, प्रायः ये अपनी आँखों की चमक खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आँखें चमक उठी जब वह अपनी इच्छा से मुझे अपने घर ले गया। विच ही प्राउडली सेज इज बींग रिबिल्ट, उसने बड़े गर्व से कहा उसका मकान दोबारा से बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, हम ऐसी गलियों में गुजरे जिसमें कूड़ा भरा हुआ था। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, ऐसे घरों के को हमने देखा जहाँ टूटी हुई दीवारों में लोग रह रहे हैं। बॉबली डोर्स, टूटे फूटे दरवाजे, नो विंडोज, कोई खिड़कियाँ नहीं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और भीड़ से भरे हुए वो घर परिवार, जहाँ परिवार के में आदमी और जानवर को एक्सिस्टिंग एक साथ इन ए प्रीमिवल स्टेट, ऐसे माहौल में रह रहे हैं जैसे युगों पहले रहा करते थे। ही स्टॉप्स, रुकता है एट द डोर, एक दरवाजे पर, ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर के। बैंक्स अ बॉबली आयरन, एक हिलता हुआ लोहे का दरवाजा है, उससे वो जोर लगाता है विद हिज फुट, अपने पैर से, एंड पुशेज इट ओपन, और अंदर की तरफ खोल लेता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, हमने एक ऐसे अधूरे बने हुए मकान में प्रवेश किया। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में, थैच्ड विद डेड ग्रास, सूखी हुई घास का एक छप्पर था। इज अ फायरवुड स्टोव, एक स्टोव था, लकड़ी से जलने वाला चूल्हा। ओवर विच, जिसके ऊपर सिट से लार्ज वेजल, एक बड़ा सा बर्तन था, ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लीव्स, कटी हुई पालक की पत्तियाँ।
ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स एक बड़े बर्तनों में एल्युमिनियम के आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स कटी हुई सब्जियां थीं। अ फ्रेल यंग विमेन एक कमज़ोर जवान औरत इज कुकिंग द इवनिंग मील शाम का भोजन तैयार कर रही है फॉर द होल फैमिली पूरे परिवार के लिए। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक आँखों में धुआं भरा हुआ है। शी स्माइल्स वो फिर भी मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स उम्र में वो ज़्यादा बड़ी नहीं है इन लोगों से। शी हैज़ बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू फिर भी उसे एक बहू होने के नाते जो सम्मान मिला है वो उसका आदेश देती है और आदेश का पालन भी करती है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस घर की वो बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन तीन लोगों की इंचार्ज है देखभाल कर रही है हर हस्बैंड अपने पति की मुकेश एंड डियर फादर उनके पिता की। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स जब बड़ा घर में कोई प्रवेश करता है शी जेंटली विड्रॉज वो चुपके से पीछे हट जाती है बिहाइंड द ब्रोकन वॉल टूटी दीवार के पीछे एंड ब्रिंग्स हर व्हील और अपने पर्दे को ले आती है क्लोजर टू हर फेस अपने चेहरे पर एज कस्टम डिमांड जैसा कि रिवाज है। डॉटर्स इन लॉ जो बहुएं होती हैं मस्ट व्हील दियर फेसेस उन्हें अपना चेहरे पर पर्दा रखना होता है या ढकना होता है बिफोर मेल एल्डर्स जो बड़े पुरुष हैं घर के। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्प्रोवाइज्ड बेंगल मेकर इस मामले में हम देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है इस घर का वो चूड़ी बनाने वाला है या चूड़ियों का पुराना निर्माता है। ओके डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर लंबे सालों से वर्षों से कठिन परिश्रम करने के बावजूद फर्स्ट एज अ टेलर पहले एक टेलर के तौर पर देन अ बेंगल मेकर फिर चूड़ी बनाने वाले के तौर पर ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस वो अपने घर की सही से मरम्मत भी नहीं करा सका। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल ना ही उन दो बच्चों को स्कूल भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू सिर्फ इतना ही कर पाया इज टू टीच देम वॉट ही नोज उन्हें सिखा पाया जो वो जानता था द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स सिर्फ चूड़ी बनाने की कला। इट इज़ हिज कर्मा हिज डेस्टिनी सेज मुकेश's ग्रैंड मदर मुकेश की दादी माँ कहती है ये हमारा कर्म है और यही हमारा भाग है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड जो देख चुकी है उसके खुद के हस्बैंड अंधे हो गए विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स चूड़ियों पर पॉलिश करते करते उसका जो डस्ट होती है जो पार्टिकल होते हैं उनकी वजह से। कैन अ गॉड गिविन लीनेज एवर बी ब्रोकन शी प्लीज वो कहती है क्या ईश्वर भी इस वंश परंपरा को तोड़ सकता है शायद नहीं। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स क्योंकि चूड़ी बनाने वालों की जाति में या समाज में जन्म होना दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स उन्होंने अपने जीवन में चूड़ियों के सिवा कुछ देखा नहीं है। इन द हाउस घर में भी इन द यार्ड बरामदे में भी इन एवरी अदर हाउस हर दूसरे घर में भी एवरी अदर यार्ड हर तो शायद उनका ये भाग ही है एवरी जो उन्हें इस काम के लिए विवश फरोजाबाद की हर तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। कहानी का बाकी भाग हम दूसरे वीडियो में सेकेंड पार्ट में तैयार करेंगे। ओके टेक केयर।